देश में आर्थिक मंदी का दौर है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। चंडीगढ़ सीआईआई फेयर में किताबों का स्टॉल लगाने वाले परवेश चंदेल बताते हैं कि किताबों के खरीदार पहले से बढ़ गए हैं। परवेश, जो खुद एक लेखक हैं, कहते हैं कि एक लेखक होने के नाते किताबों की बढ़ी मांग से उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। एक बहुत अच्छी बात है कि पहले से बढ़कर आए हैं, लगता है कि रीडिंग का क्रेज वापस आ रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ हमारे लिए भी, और एज अ राइटर इट्स अ गुड न्यूज़, एज अ एंटरप्रेन्योर इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स पहले से बहुत बेहतर है। एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस मुझे नहीं पता, पर एज अ बुक लवर मैं एक बात बोल सकता हूँ कि बुक्स इज समथिंग विच इज़ वेरी, इट मेक्स यू वेरी वाइज, आपको बहुत वाइज बनाते हैं, इट मेक्स यू कनेक्टेड टू द रियल योरसेल्फ। परवेश का कहना है कि अब के ज्यादातर ग्राहक नॉन फिक्शन और उत्साहवर्धक प्रेरणात्मक किताबें मांग रहे हैं। ये नॉन फिक्शन का जो लोगों के प्रति रुझान है वो ज़्यादा है, नॉन फिक्शन लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, नॉन फिक्शन ही बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। सेल्फ हेल्प बड़ा मांग आजकल लोग पसंद करते हैं, मोटिवेशनल बुक्स, दिस इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट इन ट्रेंड राइट नाउ। परवेश चंदेल किताबों के प्रेमी हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पैशन को ही अपना बिजनेस और प्रोफेशन बनाया है। ये अपने काम से खुश भी हैं और संतुष्ट भी। देश में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में परवेश की पॉजिटिव स्टोरी उम्मीद जगाती है। चंडीगढ़ से नेहा शुक्ला, डेली वर्ल्ड टीवी के लिए।